तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम देखेंगे पीएचडी के बारे में, देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी नोटिफिकेशन को निकाला गया है। तो हम देखेंगे वेरियस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी की कहाँ कहाँ पे जो है आपका पीएचडी प्रोग्राम जो है वो निकाला गया है, उसका नोटिफिकेशन। तो अगर आपने एमएससी अपना कंप्लीट कर लिया या आपने एमएससी के लास्ट ईयर में और आप अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप इन जगह पे जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2020-21 का जो विंटर सेशन का नोटिफिकेशन वो निकाला गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस हो, चाहे केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज में पीएचडी प्रोग्राम को निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका जो एप्लीकेशन है, इट हैज बीन इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 5 जनवरी 2021। ये उन्होंने डेट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि 5 जनवरी 2021 से जो है एप्लीकेशन को इनवाइटेड हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए आपको 60% और इक्विवेलेंट जीपीए होना चाहिए आपका पीजी में, मास्टर या एमटेक में और एम फार्मा में इन एनी ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर साइंसेज, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे लाइफ साइंस, फार्मेसी। तो आपका जो है पीजी डिग्री होना चाहिए भी 60% मार्क्स के साथ। सेम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो केमिकल साइंसेज के लिए भी है, कंप्यूटर साइंसेज के लिए भी है, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज के लिए भी है। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम। तो अगर आपने कोई भी, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आपका जो है सीएसआई, यूजीसी, नेट, जेआरएफ या डीबीटी या आईसीएमआर जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए एटलीस्ट वन, चाहे वो सीएसआई, यूजीसी, नेट हो, जेआरएफ हो या डीबीटी या आईसीएमआर, इनमें से कोई भी एक जो एग्जाम है वो आपने क्रैक किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है यहाँ पे। सेम जो है केमिकल साइंसेस के लिए भी है, सेम कंप्यूटर साइंसेस के लिए भी है और अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस के लिए भी और मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी, जो सेम रिक्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब देख लेते कुछ और पॉइंट। तो देखिए यहाँ जो मेंशन कर रखा है, कट ऑफ मार्क्स फॉर नेशनल एग्जामिनेशन गेट, जस्ट, यूजीसी, नेट, ईजी विल बी फर्दर डिसाइडेड बाय ईच स्कूल। तो यहाँ पे अगर आप जो है गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या आप जेस्ट के लिए थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या सी एस आई, यूजीसी, नेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रीम या सब्जेक्ट दे रखे, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेस हो, चाहे वो केमिकल साइंसेस हो, तो वो क्या करेंगे, वो अपना एक जो है मेरिट निकालेंगे, कट ऑफ मार्क्स निकालेंगे और अगर आपके उस मार्क्स के अंदर आपका स्कोर है तो आपको यहाँ पे जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला अगर आपने सीएसआई, यूजीसी, नेट एग्जामिनेशन में अगर आप जो है आपने दिया है और आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो भी आप जो है आप इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप रिजल्ट अवेटेड है आपका, तब भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें फेलोशिप की, तो इंस्टीट्यूट जो है वो फेलोशिप देगी 31,000 फॉर जेआरएफ फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, आफ्टर दैट दे विल एनहांस द फेलोशिप अप टू 35,000 फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या इन्होंने बोला कि जिसके पास जो है वो सी एस आई, यूजीसी या जी आर एफ एग्जाम है, तो दे कैन ऑल्सो गेट देयर फेलोशिप ऑफ देयर ओन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसीज। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के जो रिसर्च एरिया है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पे चीज मेंशन कर रखी है कि किस किस के अंदर जो है पीएचडी प्रोग्राम या पीएचडी वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने अपने जो सुपरवाइजर का नाम भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम पहला देखें तो जो डॉक्टर असीमा भट्टाचार्य लैब है, तो इनका जो मेनली काम है वो है रेगुलेशन ऑफ सेल एड्रेशन एंड सेल सेल कम्युनिकेशन गैस्ट्रिक कैंसर। तो देखिए इनका जो टॉपिक है जिसपे ये डॉक्टर असीमा काम करती है, उनका जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है आप वो टॉपिक चूज कर सकते हैं और आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कि टॉपिक सारा दे रखा है, तो इंटरव्यू के टाइम पे जो है आप इसमें से देख सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे जो है आप इंटरेस्टेड हैं और उस टॉपिक को या उस लैब को आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए और भी जितने भी लाइक स्कूल्स हैं, सबने अपना अपना जो रिसर्च सुपरवाइजर और जो जो टॉपिक है कि वो किस पे काम करते हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप जो है वो देख सकते हैं। अब देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर जो मिनिमल कट ऑफ दी जाएगी उस कट ऑफ में अगर आपका जो मार्क्स आता है उसकी बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, साथ ही साथ उसके बाद उनका जो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, अगर नेसेसरी होगा, अगर मान लीजिए कि वो रिटन टेस्ट भी रखते हैं शॉर्टलिस्ट होने के बाद, तब आपको रिटन टेस्ट देख देना पड़ेगा और उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको जो www.nicer.ac.in पर जाना है और यहाँ पे आपको जो भी स्टेप है वो फॉलो करने हैं, और साथ ही साथ जो अपना आप सॉफ्ट कॉपी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, वो सबके साथ आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, अब नाइसर डज नॉट डिमांड एनी एप्लीकेशन फी फ्रॉम द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर पीएचडी पूरा। तो इसमें देखिए इन्होंने कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो एप्लीकेशन फी है वो नहीं मेंशन करी रखी है, तो आप जो है यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला टू सीड लेटर रेफरेंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद सिग्नेचर और रेफरी ऑन द एनवेलप शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको शॉर्टलिस्ट होते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको टू रेफरेंसेस चाहिए होंगे। आप किसी से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपने अपना जो पीजी कंप्लीट किया है वहाँ से भी आप दो टू रेफरेंसेस ले सकते हो, और दीज रेफरेंसेस शुड बी इन द सीड लेटर। और जो रेफरेंसेस आपके होने चाहिए वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होने चाहिए, और इसमें आपका जिसने भी जिसका भी आपने रेफरेंस लिया है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, और इट शुड बी सील्ड। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू लाइक गिव दीज टू सील्ड लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस। ओके, अब देख लेते कुछ और पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर रखी है, अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट ऑन 21 अक्टूबर, ठीक है, तो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है, और जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2020 है, ठीक है। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनकी लिस्ट अपलोड की जाएगी नाइसर की वेबसाइट पे बाई 10 नवंबर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू की जो डेट है वहाँ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो बाय फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बायोलॉजिकल साइंसेज की, तो 21 दिसंबर टू 23 दिसंबर को जो है इंटरव्यू या टेस्ट आपका होगा। तो इन्हें देखिए पूरा मेंशन कर रखा है। देखिए इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इस स्कूल विल सेंड अ कॉल लेटर टू द कैंडिडेट सेपरेटली, काइंडली रिफर टू द वेबसाइट। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ईच स्कूल, जिस भी स्कूल में आपका सिलेक्शन होता है, तो वो आपको कॉल लेटर सेंड करेंगे। अब जो रजिस्ट्रेशन वो होगा उस वो इट हैज बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 4 जुलाई जनवरी 2021 मंडे, ठीक है। तो अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है बायोलॉजिकल साइंसेज की ऑफिशियल मेल आईडी, तो आप इन सब पे जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो आप भी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट के लिए जो मेल आईडी है वो आप देख सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ भी जानना है तो आप इन मेल आईडी पर अपनी क्वेरी लिख के उसका जो है लाइक क्वेरी लिख के आप जो है देख सकते हैं और आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बाकी चेकलिस्ट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, तो यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे अपलोड करने में भी, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे लगेंगे। तो आई होप ये जो नाइसर भुवनेश्वर का नोटिफिकेशन था पीएचडी प्रोग्राम के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जो कि ये ACSIR का है। तो देखिए ये ACSIR अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, ये आया एडमिशन नोटिस। देखिए ये जो ACSIR इट इनवाइट एप्लीकेशन फॉर जनवरी 2021 और अगस्त 2021 सेशन, तो दो सेशन के लिए यहाँ पे जो है एडमिशन नोटिस निकाला गया है। आप जो एडमिशन नोटिस साइंसेस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, और जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए भी, चाहे जैसे कि एमटेक और पीएचडी के लिए भी है, ठीक है। तो देखिए इसका जो लास्ट डेट है नवंबर 15, 2020 है फॉर जनवरी 2021 सेशन के लिए, और जो अगस्त 2021 सेशन के लिए उसका जो लास्ट डेट है वो मई 27, 2021 है, ठीक है। तो नवंबर 15, 2020 फॉर जनवरी 2021 सेशन के लिए एंड मई 27, 2021 फॉर अगस्त 2021 सेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन ये ACSIR के तरफ से निकाला गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जनवरी सेशन के लिए तो आप जो है 15 नवंबर 2020 आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं एक और नोटिफिकेशन की, जो कि निकाला है SRM यूनिवर्सिटी AP में। तो इसमें देखिए जो सिलेक्शन होगा आपका इट इज विल बी बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोड बाई इंटरव्यू इंटरेक्शन, ठीक है। तो पहले आपका इसमें जो इंट्रेंस एग्जाम होगा, अगर आप इंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंट्रेक्शन होगा आपका, उसके बाद ही जो है आपका वो सिलेक्शन होगा। वहीं अगर आपके पास कोई खुद की फेलोशिप है, चाहे UGC CSIR NET ICMR ICSJRF, ठीक है, तो दे विल गेट द डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंट्रेक्शन आपका होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। इसका जो लास्ट डेट वो 30 नवंबर 2020 है, और अगर आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो यहाँ पे फोन नंबर मेंशन किया जा रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे मेल आईडी भी दिखी है, तो अगर आपको फर्दर क्वेरी चाहिए तो आप इन
मेल आईडी या फोन नंबर पर अपनी क्वेरी जो है वो पा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलते मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।